Hello everyone, I'm your educator Shivam. Welcome to Arpita Sharma classes. Subscribe to Arpita Sharma's classes for daily news analysis, economics MCQ series, Indian polity classes, strategy related classes for UPSC, CSE and much more. You can also join our Telegram channel. Simplifying UPSC with ease for class updates and notes. Also, Arpita ma'am is also taking live classes on Unacademy Plus. Use code SHARMA20 to get 10% discount. So let's start. Today we are going to study about the two topics, excise duty and its types, dividend distribution tax. देखो एक्साइज ड्यूटी हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है. उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ताकि आपको क्लियर हो जाए जिनको नहीं है, जो भूल गए हैं उनके लिए. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज लेविड एंड पेड बाय द इंडिविजुअल्स. कंपनी वाले जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज अल्टीमेटली पेड बाय द कंज्यूमर्स, बट हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते. टैक्स बर्डन हमारे ऊपर है लेकिन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू द गवर्नमेंट. ठीक है, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स. हम लोग बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट केस में, डायरेक्ट टैक्सेस के केस में. इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, हम लोग बर्डन शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें जो है कंज्यूमर को देना होता है. हमें वो चीज़ जनरली पता नहीं चलती है, लेकिन हम लोग कुछ भी खरीदते हैं और मान लीजिए हमने एक चिप्स का पैकेट भी खरीदा तो उसके अंदर भी टैक्सेस लग के आते. तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इन द कंट्री पेज द इनडायरेक्ट टैक्सेस. और डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं. जैसे कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो यू नीड टू पे मोर टैक्स और यू हैव टू पे मोर टैक्स. जैसे जैसे दिस इज रिग्रेसिव, वेदर यू आर पुअर, वेदर यू आर रिच, वेदर यू आर मिलियनियर, वेदर यू आर बिलियनियर, यू आर पेइंग द सेम टैक्स एज अदर पीपल्स आर पेइंग. और एक पॉइंट और है, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है रिच पीपल के लिए, ज़्यादा इनकम वालों के लिए. और लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ये सब चीज़ें बढ़ाएगी तो हमारे डेली कंज्यूमेबल्स उनका रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, दैट इज एक्साइज ड्यूटी. देखो क्या होता है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. देखो ये जैसे ही मान लीजिए, सपोज करो कि मैं एक मेरी फैक्ट्री है जिसके अंदर मैं शैम्पू बनाता हूँ. तो मान लीजिए मैंने आज एक शैम्पू की बोतल प्रोड्यूस कर दी तो उसी टाइम पर उस पर टैक्स लग जाएगा. तो यहाँ पर यही लिखा गया है, इट इज अ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सिर्फ इंडिया के लिए. अगर हम लोग फॉरेन टेरिटरी में करते हैं तो उसके लिए हमारे अलग रूल्स है, कस्टम्स वगैरह. और ये इंटरनेशनल होता है. आई थिंक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कंफ्यूजन अबाउट द इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल. इंट्रा होता है विद इन द कंट्री और विद इन दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर आप लोग देखेंगे SBI है जैसे बैंक, तो उनका एक इंट्रानेट होता है जो कि उनके SBI के अंदर ही फंक्शन करता है. ठीक है, एक होता है इंटरनेशनल जो हम लोग बाहर की बाउंड्रीज के साथ करते हैं. ये टैक्स होता है प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड पे होता है. अभी हम लोग करंट सिनेरियो में देखें, क्योंकि GST इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है तो करंटली इट इज लेविड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहल और फ्यू अदर्स. नाउ टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी. देखो सबसे पहला टाइप है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इसे हम लोग SEN VAT भी कहते हैं, मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं. ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और इसे कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू. ठीक है, इसमें जैसे कई सारे चीज़ें वो लोग लगा देते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे अभी तो शायद आपको नहीं आता, पहले सपोज कीजिए आपने कभी डोमिनोज में गए तो उनका जो बिल होता है तो उसमें लिखा होता है आपका ये लगा हुआ है. ठीक है, एक्साइज ड्यूटी ये था आपके कई सारे बिल्स में पहले होता था, अब वो देखने को नहीं मिलता बिकॉज दैट इज सबस्यूम्ड. बट लेकिन कई चीज़ों पर है तो ये लोग कई बार से बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है या स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ये लोग किस चीज़ पर लगा देते हैं, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल स्पेशल जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मान लीजिए पान मसाला है,
गुटखा प्रोडक्ट्स हैं, इनको चाहती है सरकार की लोग कम से कम खाएं, तो वो लोग स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं ताकि उनका वो प्राइस इंक्रीज कर सके, टू डिस्करेज द पीपल टू हैव सच प्रोडक्ट्स। फिर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, इसी तरह से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी किसी स्पेशल पर्पज के लिए लगाई जा सकती है, जैसे अभी कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर रही है इंडस्ट्रीज पे जो पोल्यूटिंग है, तो इस तरह से वो लोग इम्पोज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इसको हम स्टेट सेल्स टैक्स भी कहते हैं और वैट भी कहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है और स्टेट गवर्नमेंट को इसकी पावर है, एंड इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ कलेक्टेड एंड लेविड बाय स्टेट्स, इसी तरह से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती है अपनी एडिशनल फीस वगैरह, जैसे अभी आप लोग देखेंगे रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लेविड स्पेशल कोरोना फीस ऑन द लिक्वर, तो इसी तरह से वो लोग भी लगा देते हैं। देखिए क्या है, ये जो है ये स्टेट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट होता है या स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, वो ये पूरी प्रक्रिया को करता है। सो आई होप यू आर क्लियर अप टिल नाउ। नेक्स्ट इज द सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखो व्हाई डू वी नीड सेंट्रल सेल्स टैक्स, पहले ये नहीं था। देखो क्या हुआ कि ये जो है लगता है इंटर स्टेट गुड्स पर लगता है, इंटर स्टेट अगर आपने सेल करी है गुड्स की तभी ये लगता है। पहले क्या हुआ, मान लीजिए सपोज करें मैं एक वो हूँ कि मेरा दिल्ली में बिजनेस है, मैंने अपना दिल्ली में स्टॉक रखा हुआ है और मैं उसे जो है वहाँ पर बेचना चाहता हूँ, यूपी में जाकर बेच रहा हूँ, और मैं जाता हूँ मैं हरियाणा से होकर जा रहा हूँ, उसमें क्या होगा, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हरियाणा वाले कहेंगे मुझे टैक्स दो, यूपी वाले कहेंगे मुझे टैक्स दो, दिल्ली वाले कहेंगे मुझे टैक्स दो। तो इस तरह से एक नेक्सस थ्योरी हो गई थी जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को इस टैक्स के साथ आना पड़ा, जिसमें इट इज़ लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसे स्टेट कलेक्ट करता है और जो इसका प्रोसीड्स होता है, जो भी इससे पैसा आता है, दैट इज केप्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो टैक्स जो होता है ये इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर लगता है, जब मान लीजिए कोई सेल और परचेज कॉन्स्टिट्यूट मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मान लीजिए हमें दूसरी स्टेट्स में मूवमेंट करनी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कोई मूवमेंट है गुड्स की, उस पर लगता है। लेकिन ये लगता किस पॉइंट पर है, जहाँ से सेल ओरिजिनेट हुई है। सपोज कीजिए मैंने दिल्ली में हूँ, मेरे को महाराष्ट्र में बेचना है, तो ओरिजिनेट कहाँ पर हो रहा है, दिल्ली में। सो हु इज एलिजिबल टू गेट द टैक्सेस, दैट इज द दिल्ली गवर्नमेंट विल कलेक्ट द टैक्सेस, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, आई थिंक दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू। So, let's come to the dividend distribution tax. एक सेकेंड, देखिए टैक्स क्या होता है, जैसे आप लोग इसको नेम से ही सजेस्ट कर पा रहे होंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इट इज अ टैक्स लेविड ऑन द डिविडेंड्स दैट अ कंपनी पेज टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड क्या होता है, मान लीजिए मैं शेयर होल्डर हूँ किसी कंपनी में, मान लीजिए मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो आई एम इन्वेस्टर, तो आई एम गोइंग टू परचेज द शेयर्स, तो इन रिटर्न व्हाट द रिलायंस विल पे टू मी, दे विल पे अ डिविडेंड, जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट वो हम एक डिविडेंड पे करेंगे, ताकि ये चीज़ें फेवरेबल रहें, ताकि हम इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टर्स ला सके, और बिना अगर मुझे डिविडेंड ही नहीं मिलेगा, मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं मिलेगा, तो वाई वुड आई इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, ठीक है। और ये जो होता है दैट इज एट टैक्सेबल एट सोर्स, जब कंपनी डिविडेंड बांटती है उसी टाइम पर ये लगता है, डिसाइडेड एट द टाइम द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड्स। जब कंपनी डिविडेंड अपने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है उसी टाइम पर ये लगता है। जैसे एडिशनल टैक्स भी लगता है डिविडेंड इनकम में, अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा किसी के डिविडेंड इनकम आ रही है, सपोज कीजिए मैं हूँ, मेरी इनकम आ रही है 12 लाख, तो उस पर भी मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पर है, ये टैक्स हमें देना कब पड़ता है, ये हमें जो होता है गवर्नमेंट को देना पड़ता है टू बी पेड, और ये कौन देती है, कंपनी देती है डायरेक्टली, इट इज नॉट पेड बाय दी शेयर होल्डर्स, टू बी पेड विद इन 14 डेज के अंदर हमें देना पड़ता है डिविडेंड डिक्लेरेशन। मान लीजिए आज हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो उसके 14 डेज के अंदर हमें देना पड़ता है, और डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट जो भी चीज़ इस टाइम पे अर्लियर होती है उस चीज़ के ऊपर हमें ये टैक्स देना पड़ता है। मतलब या तो हमने डिक्लेयर पहले कर दिया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला कर लिया, या फिर हमने पेमेंट जब भी कर दी, जो चीज़ पहले होगी उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू पे द टैक्स।
अगर हमने गिवन टाइम पर नहीं दिया, गिवन टाइम फ्रेम में उसके अंदर नहीं दिया, तो हमें इस पर पेनल्टी देनी पड़ती है 1% पर मंथ, और पार्ट देयर ऑफ हैज़ टू बी पेड, तो वो अलग हिसाब है उन चीज़ों का। तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ती है 1% की पर मंथ के हिसाब से, अगर आपने वो टैक्स नहीं दिया, अगर आपने कुछ पार्ट दे दिया कुछ पार्ट नहीं देना, तो यू हैव टू पे ऑन दैट एज वेल। ये क्यों न्यूज़ में था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2020 में प्रपोज किया था कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को रिमूव कर देंगे, ताकि जो अट्रैक्टिवनेस है इंडियन इक्विटी मार्केटिंग मार्केट की, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग देखते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगने की वजह से वो लोग नहीं आते। तो गवर्नमेंट को इस टाइम पे ऑफकोर्स फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत है, वी नीड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे अट्रैक्टिव, दे वॉन्ट टू मेक द कंट्री अट्रैक्टिव फॉर फॉरन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स को भी रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से, और ये कंट्री को इन्वेस्टर्स फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे ग्रोथ होगी, हमारे एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारे बढ़ेंगे। तो दैट इज फॉर टुडे। नाउ आई हैव मेड अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, सो लेट्स कंसीडर। Consider the following statements: central excise imposed by central government but collected by state government. But I told you that central excise is imposed and levied by central government, but no, it is collected by the central government itself. आपको central से ही पता चल जाना चाहिए, it's a central excise. Now state excise duty is a direct tax. जब central excise duty indirect tax है, तो state excise duty कैसे direct tax हो सकता है? अब बोला सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था सेंट्रल सेल्स टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन उसे कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और जो उसके प्रोसीड्स आते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही रखती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दिल्ली में अगर मैं बिजनेस हूँ, महाराष्ट्र में कर रहा हूँ, तो मैं टैक्स दूंगा सेंट्रल, हम ऐसे टैक्स दूंगा दिल्ली गवर्नमेंट को, वो इम्पोज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, लेकिन उसे कलेक्ट करने का और जो उससे प्रोसीड, जो उसके से पैसा इकट्ठा होगा, सारा दिल्ली गवर्नमेंट का है। सो आई होप यू आर क्लियर अप टिल नाउ। लेट्स क्विकली रिवाइज इट व्हाट वी स्टार्टेड। एक्साइज ड्यूटी, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मतलब इट्स अ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स, और ये प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड के टाइम पर लगता है। जैसे सेल एक्साइज ड्यूटी वो जो पार्ट है उस पर लगता है, इन करंट सिनेरियो में ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल पर लगता है। टाइप्स में जैसे पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, जैसे आपने मैंने आपको बताया सेंट्रल वैट है, इट इज इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्टेड एंड लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। सम टाइप्स आर बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, तो वो चीज़ इसके अंदर है। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको बताया था, जैसे स्टेट सेल्स टैक्स होता है, वैट होता है। अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% जो है सेस लगा दिया था कोरोना फी के थ्रू, ताकि वो ज़्यादा उनके रेवेन्यूज़ में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, बट सर्व्स एज एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट कुछ इस तरह का सेस करती है, पहले भी गवर्नमेंट ने कई बार लगाए हुए, जैसे हायर एजुकेशन सेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, बहुत सारे तरह के सेस लगाते हैं, अलग तरह के आप पोल्यूट कर रहे हो, कुछ ग्रीन सेस वगैरह ये सब करते रहते हैं, ताकि उनकी रेवेन्यू बढ़ सके, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑन दीज थिंग्स। आप कुछ हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो इट इज़ योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड पे फॉर इट, एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर इट। देन आई टोल्ड यू अबाउट द सेंट्रल सेल्स टैक्स, इट्स अ टैक्स ऑन इंटरस्टेट गुड्स पर लगता है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देकर, जैसे दिल्ली में अगर मेरा बिजनेस है, तो यहाँ से मेरी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है गुड्स की, सेल की, या फिर सेल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, या फिर मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो दिल्ली गवर्नमेंट हमारा टैक्स कलेक्ट करेगी, और जो उसका प्रोसीड होगा वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ही रखेगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ टैक्स लेविन द डिविडेंड, जो हमें कंपनी डिविडेंड देती है उस पर लगाया जाता है, आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, ऑफकोर्स प्रॉफिट्स में दे देती है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कंपनी कभी भी सारे प्रॉफिट्स में से डिविडेंड नहीं देती, दे कीप अ शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड रेस्ट दे पे आउट टू द शेयर होल्डर्स, ये सोर्स पर डिडक्ट होता है, मतलब कंपनी जब देने वाली होती है तो कंपनी ही से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करती है, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स के हाथ में आता है तब ये पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसका एडिशनल टैक्स के लिए, अगर आप 10% से 10 लाख से ज़्यादा अगर आपकी रेवेन्यू हो रही है, डिविडेंड इनकम हो रही है, तो यू हैव टू पे मोर टैक्स एट द रेट ऑफ 10%।
और अगर आपने जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करने के 14 दिन के अंदर आपको देना पड़ता है, इफ़ नॉट पेड विद इन द टाइम गिवन फ्रेम तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है। यूनियन बजट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को रिमूव करने के लिए बात कही गई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाए फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर है दैट इज नन। सो आई होप यू लाइक द क्लास। तो आई थॉट कि मैं इसी तरह से नेक्स्ट क्लासेस में भी 2-3 मिनट एक बार रिविजन में लगाऊं, ताकि आपको जो भी पढ़ा है क्विकली रिवाइज हो पाए। थैंक यू सो